गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों मैं आपको मैथ्स में चैप्टर 3 पढ़ा रही थी, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने मीन के बारे में सीखा था। तो मीन्स हमारा मीन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक आज समझेंगे, दैट इज मोड। क्या समझेंगे हम? मोड। देखिए, हमने मीन के बारे में पढ़ा, मीन होता है एवरेज, है ना। जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दिया है उसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? मीन, अर्थमेटिक मीन। कैसे निकालते हैं? हमने ऊपर लिखा, जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए गए हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उन सबका सम, और डिवाइड कर देते हैं जितने ऑब्जर्वेशन हमें दिए हैं उससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन निकालते हैं। अब हम ना आज नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे मोड। क्या सीखेंगे? मोड। मोड कैसे निकालते हैं? जैसे है ना, किसी एक चीज़ एवरेज निकालने के लिए जैसे हम मीन का इस्तेमाल करते हैं, मीन निकाल लेते हैं, तो उसकी प्लेस पे हम मोड भी निकाल सकते हैं। मोड भी एक तरीके से एवरेज निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जैसे आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, ये ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है इसको, इसका आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो देखिए, हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, सारे ऑब्जर्वेशन आगे पीछे से, कहीं पर वन है, कहीं टू है, कहीं फिर वन है। तो पहले हम इनको एक फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? वन। हम वन लिखेंगे, अरेंज करा हमने, फिर वन है, फिर हमने लिख लिया कितनी बार वन है, 1, 2, 3 बार वन है, तो हमने 3 बार वन, वन के बाद टू, कितनी बार टू है? 1, 2, 3, 4, हमने 4 बार टू लिख लिया। कितनी बार 3 है? 1 बार। 4 कितनी बार है? 2 बार। अभी ना हम काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। हम इन्हें भी काउंट कर लेते हैं कि हमने सही लिखे हैं या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स हमने इनको सही अरेंज कर लिया। अब आपसे कहा जाए इस डाटा का मोड निकालो। तो मोड कैसे निकालते हैं बच्चों? जो नंबर आपका, जो नंबर या जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है अक्सर, अगर वही आ रहा है, जैसे देखिए 1 कितनी बार आ रहा है? 3। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 3 1 बार और 4 2 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है ना, कितनी बार? 4 बार। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। 3 1 बार और 4 2 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट कर रहा है नंबर? 2। तो इस डाटा का मोड क्या हो गया बच्चों? इस डाटा का मोड हो गया 2। क्या हो गया इस डाटा का मोड? 2। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये तो बहुत सिंपल है, हम ऑब्जर्वेशंस को देख के ईजिली पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो वही उस ऑब्जर्वेशन का क्या होगा? मोड होगा। वही उस डाटा का क्या होगा? मूड होगा। आई बात समझ में? तो डाटा का मूड वही होता है जो ऑब्जर्वेशन बहुत बार रिपीट करता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है? 2 की। इसलिए इस ऑब्जर्वेशन का, इस डाटा का मूड क्या हुआ? 2। आई बात समझ में? तो मूड निकालना आपको आ गया ना, इट्स वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है मूड निकालना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मीडियन, MEDIAN। देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं? मोड निकालना तो सीख लिया, जो फ्रिक्वेंस, जो नंबर आपका ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो क्या होगा? उस डाटा का मोड होगा। अब हम मीडियन निकालना सीखते हैं। तो मीडियन के लिए देखिए, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास लिखे हुए हैं, सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन हमें दिए होते हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। कौन से ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स छोटे से बड़ा। तो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 17, फिर 18, फिर 24, देन 25, देन 35, 36, 46। अरेंज हो गए, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हमने जो डाटा हमें दिया होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया।
अब देखिए मीडियम क्या होता है। जो मीडियम होता है, जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, जो डाटा आपको दिया है, तो उसका जो मिडल ऑब्जर्वेशन है, कौन सा मिडल वाला, बीच वाला, जो बीच वाला नंबर है, वो बीच वाला नंबर आपका मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है बीच वाला नंबर? मीडियन। जैसे देखिए अब हमें मीडियन निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ हो गए, फिर हमने एक मिडल वाले को छोड़ दिया, 1, 2, 3 हाफ हाफ हो गए ना, यहाँ पे भी 3 हो गए, हाफ हाफ ऑब्जर्वेशंस हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए और यहाँ पर भी 3 हो गए। अब मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा दिखा आपको? 25। कौन सा दिखा मिडिल ऑब्जर्वेशन? 25। तो 25 क्या हो गया? इस डाटा का मीडियन। मीडियन क्या निकल के आ गया हमारे पास? 25। क्या निकल के आ गया मीडियन? 25। अब देखिए जो आपको डाटा दिया होता है वो ऑड होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑड, मतलब जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कैसे होने चाहिए? ऑड, 7 ऑड है। क्यों ऑड होने चाहिए? देखिए जैसे हम एक बार इवन का भी एग्जांपल लेके देखते हैं, 2, 4, 5 नंबर ऑड नहीं होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब नंबर नहीं है, जो उनकी टोटल ऑब्जर्वेशन है वो ऑड होनी चाहिए। जैसे ये है हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशन दिए हैं 2, 4, 5, 6, 9, 15 ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास दिए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है इसका मीडियन निकालिए। अब आपको क्या देखना पड़ेगा? मिडिल ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी अरेंज है, मिडिल ऑब्जर्वेशन आपने देखा। देखिए ये टोटल कितने हैं? 6 हैं, इवन है ना। अब हम 6 के अगर हाफ करेंगे तो कितना आ गया? 3। तो 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए। अब मिडिल तो कोई आ ही नहीं रहा, मिडिल नहीं मिल रहा ना हमें, तो इसलिए कहा जा रहा है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैसे होने चाहिए बच्चों? ऑड होने चाहिए। इवन भी होते हैं, इवन का भी मीडियन निकाला जाता है, लेकिन वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि ऑड ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपको दिए जाते हैं तो किस तरीके से आप मीडियन निकालते हैं। तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन है उसका वो क्या होगा? मीडियन होगा। जैसे मैंने लिखा 4, 6, 9, 10, 15 अब बताइए इसमें कौन सा होगा? ये कितने हैं? 5 हैं। हमने 5 का हाफ किया तो कितना आएगा? मतलब 2 यहाँ पर कंप्लीट आए, 2 यहाँ पर कंप्लीट आए, तो मीडियन क्या हो जाएगा? 9। मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों? 9। बहुत ईजी है, लेकिन मीडियन निकालने से पहले आपको जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है करना होता है? अरेंज करना होता है। किस ऑर्डर में अरेंज करना होता है? असेंडिंग। चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यह आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, समझते हैं इसे हम, 3.2 एक्सरसाइज का। द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। मतलब एक क्रिकेट मैच हुआ, उसमें 11 प्लेयर्स ने खेला और 11 प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए वो यहाँ पर आपको दिए हैं, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 ओके। अब आपको क्या करना है? अब आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है एंड मीडियन निकालना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें निकालना सिखाऊंगी, ठीक है? तो हम सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो बच्चों मीन कैसे निकालते हैं? सारे ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ द रन्स, सम ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए सम करेंगे हम इसका, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15 + 8 + 10 + 15 अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स। कितने हैं बच्चों? 11। कितने हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स? 11। चलिए इसका सम करिए फटाफट से।
देखिए हमने इन सब का सम किया, कितना आया 429/11। अब हम 11 से 429 को कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 39। 11 3 33, 42 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 बचे 99, 11 9 99, तो मीन कितना आ गया बच्चों, 39। कितना आ गया मीन, 39। अब हम निकालते हैं मोड, क्या निकालेंगे हम मोड, तो आप मुझे बताइए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 नहीं, 15 नहीं, 120 नहीं, 50 भी नहीं रिपीट हो रहा, 100 भी रिपीट नहीं हो रहा, 80 भी रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 10 दो बार रिपीट हो रहा है, 15 भी दो बार रिपीट हो रहा है, 15 कितनी बार हो रहा है, 3 बार, कौन 3 बार रिपीट हो रहा है, देखिए जो ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं उसमें देखिए 15 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 15 क्या हो गया मोड, क्या हो गया 15 मोड। अब हम निकालेंगे मीडियन, कैसे निकालेंगे, पहले हम डाटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, चलिए अरेंज करिए, सबसे पहले 6, फिर 8, फिर 10 कितनी बार, दो बार लिखा है, फिर 15 कितनी बार है, 3 बार, फिर आप ये पहले भी अरेंज कर सकते हैं फिर मोड निकाल सकते हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो पहले ही आप अरेंज कर लीजिए फिर मोड निकाल लीजिए, ओके। और आप अगर ऐसे ही देखकर निकाल सकते हैं तो देखकर भी आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं, आपको अगर दिक्कत आ रही है थोड़ी सी तो पहले आप उसको अरेंज कर लीजिए, आफ्टर देन फिर आप मोड निकाल लीजिए, तो 6 8 10 10 15 15 15। अब उसके बाद क्या है 15 के बाद बताइए, 15, फिर 80, फिर 100, देखिए कितने ऑब्जर्वेशन सही, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, मीन्स अभी हमारा एक मिसिंग है, कौन सा 120। अब हो गए 11 ऑब्जर्वेशन, अब हम 11 है, मैंने कहा ना ऑड होंगे, 11 है ना ऑड, तो देखिए 5 इधर होंगे है ना, और 5 ये होंगे, देखिए आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गए, और 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर आ गए, तो मिडिल नंबर कौन सा आया, मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा आया, 15, कौन सा आया 15, तो मीडियन क्या होगा इसका बच्चों, इस डाटा का मीडियन होगा आपका 15, कितना होगा 15। अब आपसे पूछा है आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम हैं, नहीं, मीन आपका 39 है, मोड और मीडियन 15 है, इसका मतलब ये तीनों सेम नहीं है, तो लिख देंगे नो दे आर नॉट सेम, या नो ऑल 3 आर नॉट सेम। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है, जिसमें आपको मैंने तीनों चीज़ें निकालना सिखा दी, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मीन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए, इसमें आपको बस मीन मीडियन और मोड ही निकालना है, तो आज आपको एक्सरसाइज करनी है। अब आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड यू हैव टू टेल दे आर राइट और रॉन्ग, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, मतलब जो मोड होता है, जो आपको डाटा दिया गया है, तो जो डाटा दिया गया है उसी में से कोई एक नंबर मोड होता है, यस, क्योंकि अभी मैंने आपको निकालना सिखाया ना मोड, और इस क्वेश्चन का मोड कितना आया था 15, और जो डाटा आपको दिया है उसमें 15 था ना, तो ये बात क्या है ट्रू है कि जो मोड होता है वो उन्हीं नंबर्स में से होता है जो डाटा आपको गिवन होता है, तो ये बात क्या है ट्रू। अब देखिए द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, अब जो मीन है तो डाटा में जो नंबर्स दिए हैं उसी में से कोई एक नंबर मीन कहलाता है, नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था मीन आपका क्या आया था 39, तो 39 क्या डाटा में गिवन था, जो डाटा था आपको उसमें कोई भी नंबर 39 था, नहीं, तो ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स, कैसा है बच्चों फॉल्स है। आगे देखिए थर्ड वन, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा,
जो मीडियन है वो डाटा में से एक, मतलब जो मीडियन है वो भी डाटा में से कोई एक नंबर होता है? यस, मीडियन भी आपका 15 आया था, तो ये बात भी क्या है आपकी, ट्रू है। द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। तो आपको इन सब का क्या निकालना है, मीन निकालना है, और अगर मीन 9 आता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर मीन 9 नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये आप खुद कर सकते हैं फोर्थ वन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, और फिर फोर्थ वाला आप खुद निकालेंगे। ओके, देखिए आप एक एग्जांपल देखिए क्या है। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स, आपको नंबर्स का क्या निकालना है, मोड निकालना है। ये आपको नंबर्स दिए हैं, देखिए 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 1, 2, 3, 3 2 बार। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, और 5 रिपीट हो रहा है। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 2 हो रहा है, और 5। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम 2 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है, तो क्या दोनों ही मोड होंगे इस डाटा के? राइट, तो इस डाटा के दोनों ही मोड होंगे, 2 भी मोड होगा और 5 भी मोड होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी डाटा के दो मोड हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई ऐसे दो नंबर हैं जो जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम होगी, तो वो दोनों ही उस डाटा के मोड कहलाएंगे। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है। आज आपको ये एक्सरसाइज 3.2 पूरी अपनी होमवर्क में करनी है। ओके, तो आपके माइंड में अब मीन, मोड और मीडियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।